स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के सेकंड ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और सच बोलूं तो इसके एनिमेशन का बिल्कुल ही नया स्टाइल देखकर मैं तो सरप्राइज हो गया था। लग रहा है कि हम किसी कॉमिक्स के अंदर घुस गए हैं। वैसे इस ट्रेलर में बहुत सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स थे, यहाँ तक कि एक जगह डेडपूल का भी ईस्टर एग दिया गया है। इसलिए सीधे चलते हैं ब्रेकडाउन की तरफ। ट्रेलर की शुरुआत होती है हमारे पीटर पार्कर के साथ। उसके बाद हमें कुछ फैमिलियर शॉट्स मिलते हैं, जैसे कि ये ट्रेन सीक्वेंस, स्पाइडरमैन किस एंड ये सीन, और ये सब सीधा रेफरेंस है स्पाइडरमैन की ओरिजिनल ट्रियोलॉजी का। देन 2 सेकंड के इस शॉट में हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ हम स्कॉर्पियन को देख सकते हैं, यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस, यहाँ लिजर्ड या फिर ग्रीन गॉब्लिन का अल्टीमेट वर्जन। फिर इसी शॉट में हमें एक कॉमिक दिखाया जाता है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू नंबर 186। साथ ही ये सीरियल बॉक्स एंड ये एल्बम भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे, बट दूसरे नाम से। यहाँ हम डेली बगल लिखा देख सकते हैं, जो कि वही न्यूज़पेपर है जिसमें पीटर पार्कर काम करता था। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ पीटर की नहीं है बल्कि स्पाइडर वर्स की है, जो कि इस शॉट के थ्रू दिखाया गया है, जहाँ माइल्स के डायमेंशन को देख सकते हैं। यहाँ कोका कोला कोका सोडा है और NYPD PDNY। ये है माइल्स का यूनिवर्स अर्थ 1610। और फिर हमें दिखता है माइल्स मोरेलिस, जो कि कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, और अर्थ 616 के पीटर पार्कर के डेथ के बाद इसी ने उसकी जगह ली थी। आगे हम माइल्स को उसके पिता के साथ देखते हैं, एंड अगर यहाँ आप नोटिस करें तो माइल्स के बैक पे लिखा है ब्रुकलिन। अब जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है उनको पता होगा कि पीटर पार्कर क्वींस का है, लेकिन वही माइल्स ब्रुकलिन का। आगे के कुछ शॉट्स में हमें माइल्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहां वो बोलता है कि उसे लगता था कि वो एक लौता स्पाइडरमैन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन दिखाया जाता है सुपर कोलाइडर नाम की ये मशीन, जिसके कारण हर डायमेंशन एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, और स्पाइडरमैन के बहुत सारे अल्टरनेट वर्जन्स माइल्स के डायमेंशन में आ गए हैं। देन हमें मिलता है मूवी के मेन विलन विल्सन फिस्क, यानी कि किंग पिन का फर्स्ट लुक। वैसे फिलहाल हम विल्सन फिस्क को नेटफ्लिक्स के सीरीज में भी देख सकते हैं, एंड कॉमिक्स में ये स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये शॉट है पीटर और माइल्स जब पहली बार मिले थे, जहां वो एक दूसरे को स्पाइडर सेंस से पहचान लेते हैं। फिर पीटर माइल्स को अल्टरनेट डायमेंशन के बारे में समझाता है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग है ये बिल। अब माइल्स का यूनिवर्स इतना महंगा है कि सिर्फ बर्गर और फ्राइज खाने का यहाँ $30,000 लग रहा है, हैशटैग औकात से बाहर। फिर पीटर माइल्स को ट्रेनिंग देता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि माइल्स ने पीटर के जैसे कपड़े पहने हैं, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिससे कि ऐसा गेस किया जा सकता है कि माइल्स को उसके पावर सुपर कोलाइडर की वजह से मिले हैं, क्योंकि उस टाइम वो वहाँ था, और इसी के बाद पीटर उसे ट्रेनिंग दे रहा है। देन एंट्री होती है स्पाइडर ग्वेन की, यानी कि ग्वेन स्टेसी। कॉमिक्स में स्पाइडर ग्वेन अर्थ 65 से है, जहां पीटर पार्कर विलन लिजार्ड बन गया था। फिर हम ग्वेन को ड्रम बजाते देखते हैं, एंड कॉमिक्स में भी ग्वेन द मैरी जेन नाम की बैंड में ड्रम बजाती थी। वैसे हमने ग्वेन स्टेसी को पहले भी देखा है। इसके बाद हमें और भी कई स्पाइडरमैन के वर्जन दिखते हैं। स्पाइडरमैन नॉय, जो कि अर्थ 90214 से है, और कॉमिक्स में ये बहुत डार्क कैरेक्टर है, जो कि लोगों को ठोकने में भी थोड़ा नहीं कतराता। पेनी पार्कर, एंड ये अर्थ 14512 से है, जहां उसे अंकल बेन और आंट मे ने गोद लिया था, और इसके पास भी पीटर की तरह पावर्स हैं, और ऊपर से स्पाइडर रोबोट चलाती है। इस कैरेक्टर का कॉमिक जापानीज मैंगा से इंस्पायर्ड था। एंड सबसे फाइनली स्पाइडर हैम, यानी कि पीटर पार्कर, अर्थ 8311 से, और इसके यूनिवर्स में इसको रेडियो एक्टिव पिग ने काट लिया था। एंड इन्हीं कुछ शॉट्स में हमें कुछ छिपे इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं। यहाँ पीछे स्पाइडरमैन से जुड़े बहुत सारे चीजें रखी हुई हैं, एंड यहाँ स्पाइडरमैन PS4 गेम वाला सूट भी हम साफ साफ देख सकते हैं, और यहाँ विल्सन फिस्क और उसके लोगों की फोटोज लगी हैं। ये रहा विल्सन फिस्क, हैमरहेड, विल्सन फिस्क का बेटा द रोज, टूमस्टोन एंड द प्रॉलर, और यहाँ स्पाइडरमैन के और भी कई सूट हैं, जिससे ये कंफ्यूजन जरूर होता है कि ये किस डायमेंशन में है। मेरा गेस यही है कि ये पीटर का डायमेंशन है, और हमें इस मूवी में इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी देखने को मिलेगा। एंड फाइनली यहाँ आंट में भी है, जिसको पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। फिर हम 6 के 6 स्पाइडरमैन के वर्जन को एक साथ देखते हैं, और यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि सारे डायमेंशन एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, जिससे कि पूरा अर्थ खतरे में है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग है ये वाला छोटा सा डेडपूल का ईस्टर एग। वैसे कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और डेडपूल बेस्टी हैं। फिर हम माइल्स को अपने अंकल एरन डेविस के साथ देखते हैं, और कॉमिक्स में एरन डेविस ही द प्रॉलर नाम का विलेन है, जिसे हम आगे ट्रेलर में देख सकते हैं। वैसे स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी हमने एरन डेविस को देखा था, और यहाँ भी उसने माइल्स का जिक्र किया था। देन प्रॉलर के बाद हमें फिस्क, स्कॉर्पियन और टूमस्टोन भी दिखते हैं, एंड फाइनली हमें दिखता है ग्रीन गॉब्लिन। अब ये देखने में इतना अलग इसलिए है क्योंकि कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन कुछ ऐसा ही दिखता था। नेक्स्ट इस सीन में हम माइल्स के हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकलते देख सकते हैं,
कॉमिक्स में भी माइल्स के पास कुछ ऐसी ही सिमिलर पावर्स थे, या फिर यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये सब सुपर कोलाइडर की वजह से हो रहा हो। उसके बाद हमें कुछ कमाल के एक्शंस और चेस सीन्स दिखाए जाते हैं, एंड सबसे लास्ट में दिखाया जाता है ये सीन जहाँ ये कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली कॉमिक्स से पीटर का क्लासमेट गैंग के लिए होगा, और इसी कैरेक्टर का नाम चेंज करके नेड ली किया गया था स्पाइडरमैन होमकमिंग में। ओवरऑल ट्रेलर का एनिमेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है, जहाँ हमें कॉमिक्स की दुनिया बहुत अच्छे से दिखाई गई है। आप सब नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, साथ ही अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। टारगेट करते हैं 7900 लाइक्स की, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। साथ ही ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। स्पाइडरमैन के अल्टरनेट वर्जन के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और इसके पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।